बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देश परदेश में रहने वाले मेरे तमाम व्यूवर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मीना जी व्लॉग में खुश आमदीद कहते हैं जी। तो मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, आज हम लोग आए हैं फैमिली पिकनिक पे। तो हम लोग सिटी क्रॉसिंग आए हैं, तो यहाँ पे हम लोग घूमेंगे फिरेंगे और लंच भी करेंगे, तो साथ साथ आप लोगों को भी यहाँ का व्यू जो है वो करवाते जाएंगे। ये पीछे मेरी फैमिली खड़ी है सारी। तो चलिए थोड़ा सा घूमते फिरते हैं फिर जी। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ पिकनिक के ऊपर हमारी स्वीटी जो है ये भी आई हुई है। हेलो स्वीटी, वो भी एंजॉय कर रही है कभी इधर कभी उधर। चौबीस घंटे ये घर के अंदर रहती है। आज वो बहुत ज्यादा खुश है कि उसे बाहर घुमाने के लिए लेकर आए हैं। तो चलिए थोड़ा सा घूमते हैं, थोड़ा सा आपको इर्द गिर्द का यहाँ का माहौल जो है दिखाते हैं। बहुत साफ सुथरा माहौल है यहाँ का। ये सिटी हाउसिंग सियालकोट है जी। ये लिखा हुआ है वेलकम टू सिटी हाउसिंग, अगर मेरा कैमरा आपको दिखा रहा हो। देखिए मैं थोड़ा सा आपको नज़दीक से दिखाती हूँ। बहुत सी फैमिलीज जो हैं यहाँ पे आई हुई हैं, बच्चे आए हुए हैं यहाँ पे। आते ही बच्चे जो हैं वो सारे इधर उधर खेलने लग गए हैं। देखिए यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा इन्होंने हेलो स्वीटी, वो देखे भाभियाँ मेरी जो हैं वो पुल पे चढ़ के खड़ी हैं और मुझे बुला रही हैं बार बार कि आ जाओ इस साइड पे। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा ये स्टाइल बना हुआ है अंदर। ये केव स्टाइल में भी बना हुआ है जैसे गार होते हैं जी। ये वो पुल है जहाँ पे मेरी भाभियाँ जो थी हमें भुला रही थी। अब मैं आते जा रही हूँ और वो लोग आगे चली जा रही हैं। बच्चे अपना पूरा इंतज़ाम करके आए हुए थे साथ में खेलने के लिए, टेनिस वगैरह लेकर। ये देखिए इनकी गेम जो है वो स्टार्ट हो गई है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाँ पे बहुत खूबसूरत से फ्लावर्स जो हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं कि हमें देखा जाए आकर। मेरी बेटी ने पिक बनवाने के लिए क्या जगह ढूंढी है अल्फाबेट सी के अंदर। ये देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहे हैं ये फ्लावर्स जो हैं, नेचर का एक बहुत खूबसूरत सा तोहफा। ये देखिए जी हमारी स्वीटी जो है वो भी इसके अंदर वॉक कर रही है। आई थिंक ये गेंदे के फूल हैं इनको, क्योंकि ये साइज मोस्टली काफी बड़ा साइज है ये। यहाँ पे लोग अपनी पिक्स वगैरह, ये देखिए फैमिलीज आई हुई हैं बना रही हैं। सब जो हैं वो बिजी हैं फैमिली पिक बनाने में। तो अभी थोड़ी देर में हम लोग खाना जो है वो खाने लगे हैं।
तो बच्चे जो हैं वो गाड़ी से चीज़ें वगैरह लेने गए हुए हैं, तो तब तक मैं आपको ये सारे फ्लावर्स जो हैं ये दिखा के लाती हूँ। अब मुझे बार बार कॉलिंग की जा रही है कि आज हमने फैमिली पिक बनानी है, तो उसके लिए सब इकट्ठे हैं, तो चलें पहले फैमिली पिक जो है वो बनवा लेते हैं। अब खाना खाने की तैयारी जो है वो की जा रही है, इसके लिए ये चादरें हम घर से लेकर आए थे, क्योंकि घास पे फिर भी डाउट होता है कुछ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े वगैरह। ले जी खाना जो है ना वो खोलते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी ये मेरी बेटी ने बनाया है मैक्रोनी पास्ता, ये मेरी भतीजी है, उसका कुकिंग चैनल है ऑलरेडी सिद्धराज किचन के नाम से, ये उसने बिरयानी बनाई है, वाओ माशाल्लाह देखें बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बट सॉरी कि मैं राइस नहीं लेती। और साथ में स्नैक्स के अंदर समोसे हैं और चटनी जो है उसे खोला जा रहा है, मेरी फेवरेट चटनी है चने की। दो बजे का बना हुआ है। आंटी आप क्यों बोल रही हैं? क्यों? वो तो कहा था मज़ा लगा। काशिफ कैसा बना पास्ता? अच्छा। अरूज ने बनाया? नहीं अच्छा। स्पेशल तुम्हारे लिए। थैंक यू। ले जी अब खाना एंजॉय करने लगे हैं। चले मैं बाइट लेके बताती हूँ कि मेरी बेटी ने ये कैसा बनाया है। वाकई बहुत मज़े का, ज़बरदस्त। पास्ता खाने के बाद अब बिरयानी जो है वो सब एंजॉय करेंगे, और खा के बताया जाएगा कि सिद्धराज किचन ने बिरयानी जो है ये कैसी बनाई है। जो ही शाम हुई है हर तरफ लाइटिंग जो है वो ऑन हो गई है, पिलर्स के अंदर लाइटिंग, हर जगह पे जहाँ पे डेकोरेशन के लिए इन्होंने लाइटिंग वगैरह लगाई हुई है, हर तरफ जगमग जगमग सी हो गई है। जो ही ज़्यादा रात होती जाएगी ये लाइटिंग जो है और ज़्यादा खूबसूरत लगती जाएगी। जी तो फ्रेंड्स आप चलकर मेरी वीडियो को वॉच करें, लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकॉन के बटन को याद से प्रेस किया करें, इससे मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नए व्लॉग वीडियो और रेसिपी के साथ, तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।